हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसके मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। बीजी सिर के बिल्डर हैं ये, बोरीवली में काफ़ी बड़ा इन्होंने लेआउट बनाया है, डेवलप किया है लैंड। आज जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं सिर के बिल्डर का, तीन मूर्ति समिट। ये तीन मूर्ति समिट बन रहा है नागाठाने बस डिपो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास बोरीवली ईस्ट में। आज इसी सिर के तीन मूर्ति समिट की बात करूंगा मैं इस वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। प्रोजेक्ट के आसपास की कनेक्टिविटी, लोकेलिटी, फैसिलिटीज़ क्या है, साथ ही साथ बिल्डर क्या क्या एमिनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने स्टोरी टावर है, हर एक फ्लोर पर कितने फ्लैट्स हैं, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में इस प्रोजेक्ट रिलेटेड बताऊँगा। और भी कई तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जो मैं प्रॉपर्टी के डिटेल के बाद बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे लाइव क्या बना हुआ है सिर के तीन मूर्ति समिट का, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कैसा इसका एंट्रेंस लॉबी है। ये इसका एलिवेशन है बाहर से, मेन एंट्रेंस गेट है इसका, अभी चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका बालकनी, इनका एंट्रेंस लॉबी बड़ी खूबसूरती से बनाया है इन्होंने। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, इसका अंदर से एलिवेशन दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं एंट्रेंस लॉबी, इन्होंने वेटिफाइड टाइल्स और मार्बल्स में काम किया है। बहुत ही कम मार्केटिंग में इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड कर दिया है, बिकॉज़ जब प्रोडक्ट अच्छा रहता है तो ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है और सेल हो जाता है। दोस्तों तो सिर के बिल्डर की ये खासियत है कि ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते, उनका प्रोजेक्ट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में सेल हो जाती है। इसका स्टेयरकेस है, अब मैं दिखाता हूँ कि 2 BHK की प्रॉपर्टी कैसा है, उसके बाद मैं 3 BHK भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं 2 BHK का लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया सब प्रॉपर स्पेसियस दिया हुआ है। अगर आपको ये कैमरे से प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको प्रॉपर जाके डील करवा के देंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। हम लोग बिल्डर के चैनल पार्टनर हैं, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। लिविंग डाइनिंग सेंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको किचन मिल जाता है। किचन में भी देखें तो सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन का फ्रंट लोडिंग, आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। और किचन के जस्ट अपोजिट में कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, कॉमन वॉशरूम में ही अंदर ही बाथ एरिया, टॉयलेट एरिया और बेसिन तीनों डिवाइड किया हुआ है, बड़ा वॉशरूम देखे। अभी आगे मैं चलता हूँ, आपको दोनों बेडरूम दिखाता हूँ, एक मास्टर बेडरूम और एक गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं, कॉमन बेडरूम बोल सकते हैं, कुछ लोग किड्स बेडरूम बोलते हैं इसको। बेडरूम के साइजेस बहुत बढ़िया दिया हुआ है, बिकॉज इतना साइज बिल्डर आजकल देते नहीं हैं। ये कॉमन बेडरूम था और ये मास्टर बेडरूम है इसका। मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हैं सामने ही आपको वॉशरूम मिल रहा है। और क्रॉस वेंटिलेशन विंडो दिया हुआ है। क्रॉस वेंटिलेशन विंडो का एक फायदा होता है कि दोनों साइड से आपको एयर का फ्लो मिल जाता है, सनलाइट मिल जाता है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यह पूरे बेडरूम का स्पेस है इसका। ये अंदर से व्यू है पूरे फ्लैट का, 2 BHK का। ये तो हमने आपको 2 BHK दिखाया,
इसके बाद मैं आपको दूसरा फ्लैट दिखाता हूँ, वो भी आप देख लें, वीडियो में ही घर बैठे आप देख लें, समझ लें, फिर आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे ख़रीदने के लिए। अब देखते हैं इसका 3 BHK का फ्लैट किस टाइप का है। थ्री बी एच के इसका ह्यूज लग्जीरियस फ्लैट है इसका, इसमें भी लिविंग डाइनिंग एरिया प्रॉपर डिवाइड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सामने बैक साइड में MBMC गार्डन है। अब चलते हैं इसका तीनों बेडरूम देखते हैं, किचन देखते हैं किस टाइप का है। यह किचन में एंटर करते ही आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में एक स्पेस मिल जाता है। एक तरफ आप फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन या टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, एक तरफ आप डबल डोर का फ्रिज रख सकते हैं। उसके बाद फिर गैस प्लेटफॉर्म सर्विस प्लेटफॉर्म दोनों साइड दिया हुआ है। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, यहाँ से कोई ब्लॉकेज नहीं है बिकॉज सामने MBMC का गार्डन आ जाता है, तो आपको पूरा का पूरा ओपन व्यू मिल जाता है। किचन के जस्ट अपोजिट में डाइनिंग एरिया है, जब किचन से आप आगे जाते हैं और अंदर की ओर तब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम में एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है डोर के पीछे। और इसके अपोजिट में कॉमन बेडरूम है, इसका भी हाईवे फेसिंग देख रहे हैं, यहाँ से हाईवे बिल्कुल पास में ही है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट का रास्ता है हाईवे का। अंदर का रोड ओपन होते ही सीधा सीधा हाईवे आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके आगे एंटर करते ही आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलता है, बिकॉज हर एक 3 BHK का कंसेप्ट है कि 2 मास्टर बेडरूम और 1 कॉमन बेडरूम रहता है। इसमें भी क्रॉस वेंटिलेशन का प्रोविजन किया हुआ है विंडो का। आप देखें एल शेप में विंडो होने के बाद आपको 2 दिशाओं से हवा और सनलाइट मिल जाता है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। कई कई लोगों को 2 BHK छोटा पड़ता है, अगर कोई फैमिली या मम्मी पापा वगैरह आ जाते हैं गांव से तो कहीं से तो बाहर से तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है कि अगर वो कपल हैं उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो दूसरा बेडरूम कवर कर लें, तीसरा बेडरूम नए गेस्ट के लिए। ये इसका 3rd मास्टर बेडरूम है। बेडरूम्स इनके काफ़ी स्पेसियस दिए हुए हैं। यही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और पब्लिक साइकोलॉजी की अच्छी समझ के अनुसार प्रॉपर्टी ये डेवलप करते हैं, जिसके वजह से इनका प्रॉपर्टी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हाथों हाथ बिक जाता है इनका। नीचे बेडरूम के नीचे मालिया भी दिया हुआ है, जहां आप वॉशिंग मशीन के आउटडोर वगैरह कुछ रख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रखना हो तो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उस मालिए को। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है ये 3rd मास्टर बेडरूम का। अभी मैं फिर से आपको बाहर लेके चल रहा हूँ। ये फिर से हम आ गए हैं पैसेज में। अब इसमें 4 BHK का भी प्रॉपर्टी इन्होंने बहुत ही ह्यूज लग्जरियस प्रॉपर्टी बनाया है, वो भी आप एक बार घर बैठे देख लें, समझ लें, फिर आप खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें।
यहाँ से व्यू आप देखें तो बहुत ही हिप्नोटिक व्यू है, सामने आपको नेशनल पार्क मिल रहा है। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया भी इतना स्पेस दिया हुआ है कि आराम से 8 से 10 लोगों के खाने का अरेंजमेंट हो सकता है। किचन में सेम कंसेप्ट इन्होंने पहले जैसा ही रखा है, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन और फ्रिज का स्पेस फ्रंट में ही दे दिया है। उसके बाद फिर किचन में भी देखें तो नीचे का छज्जा दिया हुआ है, कुछ रखना हो स्टोरेज तो रख सकते हैं आप। गेस्ट प्लेटफॉर्म सर्विस प्लेटफॉर्म दोनों साइड दिया हुआ है। और किचन से आगे जाते ही आपको राइट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिलता है। इसके बाद मैं आपको चारों बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका फर्स्ट कॉमन बेडरूम है, इसके बाद 3 मास्टर बेडरूम रहेगा इसमें। ये इसका फर्स्ट कॉमन बेडरूम है, इसके बाद फिर 3 मास्टर बेडरूम है इसमें, क्योंकि ये 4 BHK की प्रॉपर्टी है। ये इसका सेकेंड मास्टर बेडरूम है। सेकेंड मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है ये। अब चलते हैं इसका थर्ड बेडरूम में, आपको दिखाता हूँ। ये बेडरूम भी इसका मास्टर बेडरूम है। यहाँ से भी व्यू आपको पूरे सिटी का व्यू मिलता है, बट जब आप हायर फ्लोर पे घर लेते हैं तो इसका खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मिल जाता है यहाँ से आपको। ये विंडो के साइड से मैं आपको थर्ड बेडरूम का व्यू दिखा रहा हूँ। इसमें ये थर्ड बेडरूम का वॉशरूम है। तीन इसका मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। ये इसका फोर्थ मास्टर बेडरूम है जो हॉल से ही कनेक्टेड है। ये इसका वॉशरूम था, अब हम पूरा बेडरूम देख लेते हैं। पूरे आप शांति से बैठ के पूरा फ्लैट का स्ट्रक्चर देख लें, समझ लें, फिर आप खरीदने के लिए फ़ोन करें। इसमें 1 BHK का प्रोविज़न है, बट इसके दूसरे टावर में है। इसमें 2 BHK, 3 BHK और बड़ी फैमिली आपका अगर साथ में जॉइंट फैमिली हैं तो 4 BHK। 3 टाइप के फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में इनके पास। अभी मैं इसके बाद कुछ आपको बाहर की एमिनिटीज़ दिखा देता हूँ किस टाइप का दिया हुआ है इन्होंने यहाँ के पब्लिक के लिए, पब्लिक के कंफर्ट के अनुसार। ये
ये आप देख सकते हैं ह्यूज लिविंग डाइनिंग एरिया है इसका। फिर से आ गए हम फ्लैट के बाहर पैसेज में। ये इसका स्टेयरकेस। और लिफ्ट एरिया है पूरा। ये मैं आपको नीचे लेके आया हूँ ये टावर पार्किंग का प्रोविजन क्या है वो देखने के लिए। एक बार इसको देख लें कि टावर पार्किंग कैसा बनाया है इन्होंने। ये इसका टावर पार्किंग है, यहाँ पे आप कार अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद आप बाहर आ जाते हैं, ये मशीन खुद कार को लेके जाती है ऊपर और पार्क करके आती है। आपको कार पार्किंग का बहुत ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता। एक इसका एंट्री होता है और दूसरे साइड से कार को आप एग्जिट करते हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर से कार रखने का प्रोविज़न है ये। ये टावर पार्किंग में कार अपने आप आपका ऊपर जाता है और पार्किंग में पार्क होता है। एक ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसमें आपको पूरा का पूरा टाइम सेव हो जाता है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से पूरा ये सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से इसको कमांड दे सकते हैं, पार्किंग से गाड़ी लाना हो या गाड़ी लगाना हो, दोनों के लिए। ये बैक साइड का पार्किंग स्पेस है जिसमें टू व्हीलर और कुछ फोर व्हीलर का ही पार्किंग का स्पेस दिया हुआ है, ज़्यादा इसमें पार्किंग नहीं है फोर व्हीलर का। ये टावर पार्किंग में पूरा टावर पार्किंग में ही प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, जहाँ पे करीबन 200-250 पार्किंग का अरेंजमेंट किया हुआ है और बहुत कम जगह में ये एडजस्ट होता है। और सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट ये है कि ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन से ऑपरेट होता है। ये इसका गार्डन है पीछे का, ये टावर पार्किंग के पीछे साइड से स्टेयरकेस भी दिया हुआ है ऊपर जाने के लिए। एंट्रेंस लॉबी के बाहर का स्पेस है अंदर आने के लिए। इसका जिम एरिया है, जिमनासियम है, बॉडी फिटनेस भी बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, तो उसके लिए भी बिल्डर ने प्रोविजन किया है। जिमनासियम का भी एरिया इन्होंने बहुत बड़ा कवर किया है, जैसा सोसाइटी है इनका 3 विंग का उसके अकॉर्डिंग। काफ़ी बड़ा और लंबा वीडियो हो जाता है जब हम प्रॉपर्टी पूरा दिखाते हैं आपको, लेकिन एक प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जब इतना टाइम देते हैं तो घर बैठे ही आप समझ जाते हैं कि प्रॉपर्टी किस टाइप का है, कैसा है और क्या उसका एलिवेशन वगैरह है, क्या उसका किस टाइप का है, कैसा उसका फ्लोर प्लान है, आपका आने जाने का पेट्रोल डीजल टाइम सब कुछ सेव हो जाता है। ये इसका पूरा नीचे का ग्राउंड फ्लोर का पार्किंग एरिया है। फिर से मैं आपको लेके आ गया हूँ बाहर। अब मैं प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करता हूँ। आइए समझते हैं प्रोजेक्ट का डिटेल, फिर मैं सर्विसेज की बात करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों। प्रोजेक्ट का डिटेल समझते हैं। बीजी सिर के बिल्डर हैं, काफ़ी एक बढ़िया रेप्यूटेड बिल्डर हैं, बिल्कुल व्हाइट कॉलर बिल्डर हैं। कई बड़े बड़े सम्मानित पुरुषों से इनको सम्मान भी मिल चुका है। जब आप साइट पर जाएंगे या साइट पर जाएँ तो बेहतर तरीके से सब कुछ समझ पाएंगे। आप हमें फ़ोन करें। और इसकी डिटेल की बात करूँ तो ये बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, मागाठाने बस स्टॉप
के बिल्कुल पास में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली ईस्ट में आता है। ये हाईवे से आप जाते हैं तो अभी मेन रोड खुला नहीं है, वहाँ से मुश्किल से 3 से 4 मिनट में हाईवे से आप पहुँच जाते हैं। 23 माले का टावर है ये, पूरी 2 विंग की सोसाइटी है, वहाँ पे करीबन 12-13 टावर खड़ा कर रहे हैं ये। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, 1 विंग है, 4 फ्लैट बी विंग में है, 6 फ्लैट ए विंग में है। हर एक विंग में 3 हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। ओसी इसमें आ चुका है, ये जो बिल्डिंग है रेडी टू मूव है। इसके बगल में और भी कई टावर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट त्रिमूर्ति समिति की बात कर रहा हूँ, ये पूरे रेडी टू मूव है ये प्रोजेक्ट ओसी के साथ। नेशनल पार्क व्यू आता है इसमें प्रॉपर्टीज़ का, जो 2 BHK आप 3 BHK लेते हैं। इसमें फॉरेस्ट व्यू भी आएगा नेशनल पार्क का और सिटी व्यू भी आएगा बोरीवली ईस्ट का। रेजिडेंशियल इसमें फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे पूरा ओपन स्पेस और कवर्ड पार्किंग एंड ओपन पार्किंग है। एमिनिटीज सारे इसके ग्राउंड फ्लोर पे है और इसकी एक की सेपरेट टावर दिया हुआ है इन्होंने ऑटोमेटिक पार्किंग का। ऑटोमेटिक पार्किंग इन द सेंस पूरा वो ऑटोमेटिक मोबाइल एप्लीकेशन से पूरा का पूरा पार्किंग टावर आपका ऑपरेट होता है, गाड़ी अपने आप अपने जगह पे जाके सेट होता है। ऐसे सेपरेट टावर की वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, आप एक बार हमारे साथ चलें तो हम आपको हेल्प करेंगे पूरा दिखाने में समझाने में। दोस्तों सभी बैंकों से अप्रूव्ड है ये, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन हो जाएगा, जैसे SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, LIC, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इसमें 1.5 BHK, 2 BHK और 2.5 BHK, 3 टाइप की प्रॉपर्टी इसमें रेडी टू मूव है। 1.5 BHK का कारपेट एरिया 584 स्क्वायर फुट यानी 584 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। 2 BHK 712 स्क्वायर फुट का है और 2.5 BHK इसका 871 यानी 871 स्क्वायर फुट का है। इसके स्टार्टिंग प्राइस 1.5 BHK का 1,40,00,000 से है। इसमें 1 BHK भी बहुत रिजनेबल प्राइस में है, कुछ 85 लाख में है। तो ये 3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं प्राइजिंग की बात करूं दोस्तों, तो प्राइजिंग जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज एक बार जब प्राइजिंग बता देते हैं तो वीडियो अगर 10 दिन 15 दिन 1 महीना आगे पीछे हो जाता है तो फिर प्राइजिंग बिल्डर का कभी उनके सेल्स के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। तो एग्जैक्ट प्राइजिंग आपको मैं बता दूँ, फिर बाद में प्राइस चेंज हो जाए तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप मुझे एग्जैक्ट, जैसे जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मुझे फ़ोन करें, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि उसका फ्लैट कॉस्ट बॉटम प्राइस क्या है, उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या आएगा उस वक्त के अनुसार। एमिनिटीज इसमें गार्डन है, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जिमनाशियम, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम, ये इसमें 6 जो बेसिक एमिनिटीज था वो मैंने आपको बताया। और भी काफ़ी ओपन स्पेस, ओपन पार्किंग स्पेस है इसमें, आप एक बार आएँ तो आपको समझ आएगा। कनेक्टिविटी की बात कर दूँ कि जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आसपास में क्या चीज़ें अवेलेबल है ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। 2 से 5 मिनट के अंदर आप मागा थाने मेट्रो स्टेशन, मागा थाने पुलिस स्टेशन, त्रिमूर्ति हाई स्कूल, ठाकुर कॉलेज, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप, मानस कॉलेज, निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज, मुंबई बैंक, DCB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अपेक्स हॉस्पिटल, अदिति हॉस्पिटल, गार्डन, डी मार्ट, ये सब बिल्कुल 2 से 5 मिनट के अंदर ही आप रीच कर जाते हैं। 10 से 25 मिनट के अंदर बोरीवली रेलवे स्टेशन, पोईसर बस स्टॉप, ऑस्कर क्लब, ग्लोबल 701 मॉल, ओबेराय मॉल, रघुलीला मॉल, आइनॉक्स रघुलीला मॉल, कनिवाल सिनेमा बोरीवली, मिराज सिनेमा, ठाकुर मॉल कांदीवली, सोना सिनेमैक्स, नेशनल पार्क, आरे लेक, माइंड स्पेस, आईटी पार्क, दहीसर चेकनाका, बिग बाज़ार, फैक्ट्री आउटलेट जो बड़े बड़े ब्रांड के हैं, नाइकी, पुमा, रिवॉक, एडिडास, स्केचर, पेंटालोन, डिकैथलॉन, ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं ये बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे पे ही है, जो यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। 45 to 1 आवर के अंदर जो कुछ एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं, जैसे गोराई बीच, बेलंकनी बीच, SL वर्ल्ड, वाटर किंगडम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, मड मारवे बीच, ये सब भी मुश्किल से आप 45 to 1 आवर के अंदर पहुँच जाते हैं। मुंबई में जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी आप 1 से 2 घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं। उसमें 1 से 2 घंटे के अंदर डिपेंड ऑन ट्रैफिक, जो बीच अंधेरी, बरसोवा बीच, बैंडोकुर्ला कॉम्प्लेक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में BKC कहते हैं, शिवाजी पार्क, सिद्धि विनायक मंदिर, बंडावर्ली सी लिंक, मदर मेरी चर्च, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, मरीन ड्राइव, लैमिंगटन मार्केट,
क्रॉफर्ड मार्केट, तारापुर वाला एक्वेरियम, गिरगांव चौपाटी, ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, वानखेड़े स्टेडियम एंड एलिफेंटा कैब्स, ये सब मुंबई की जो फेमस चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया। और अभी आइए आप हमारे सर्विसेज के बारे में समझें कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, बेनिफिशियल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, ये तो प्रॉपर्टी डिटेल और इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात हुई। हमारे सर्विसेज की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे पर्सन हमारे सारे बैंकों से टाई अप है। हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। दोस्तों मेरे पर्सन आएंगे, सारा काम आपको घर बैठे करके देंगे। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है। ऐसा हमने काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फ़ायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है तो हम सेल करते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता। ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं। अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पर डालूँ, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सकें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप उसमें फ़ायदा कमा सकें दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में। 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब। दोस्तों फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे शूट करना, स्पीच तैयार करना, डायलॉग्स तैयार करना, फिर हम आपको ये प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों तो आप हमें ज़रूर हमारे इस नंबर पर कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजिशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। कुछ नए रिक्वायरमेंट होती है, नया कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट में लिखें। हर एक कमेंट को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और उसको मैं रिप्लाई भी करूँगा या नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आऊँगा, फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।